सो गाइस, फाइनली तुम्हारे भाई के पास गूगल की तरफ से यानी गूगल एडसेंस कंपनी की तरफ से गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, यानी ओटीपी आ चुका है। इसके अंदर मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा, इसको ओपन करके दिखाऊंगा। जब आप अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करा लेते हो तो आपके एडसेंस अकाउंट में $1 इकट्ठा होने के बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक 6 नंबर का पिन यानी 6 नंबर का डिजिट ओटीपी आता है, यानी वन टाइम पासवर्ड आता है। तो दोस्तों, उस पासवर्ड को आपको इसके अंदर से कॉपी करके, मतलब देखकर, 6 नंबर का डिजिट पासवर्ड यहाँ पर होता है, उसको देखकर अपने एडसेंस अकाउंट से वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली दिखाऊंगा इसको वेरीफाई करके, यानी अपने गूगल एडसेंस को वेरीफाई करके कम्प्लीटली आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसको किस तरह से ओपन करना है, जहाँ पर आपको ओटीपी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दी गई है कुछ इस तरह के, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, मैं आपको बता दूँ, रिमूव साइट एज फर्स्ट। यहाँ से आपको इसको ओपन करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे से। चलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आपको इसका जो ओटीपी है यानी वेरिफिकेशन पिन जहाँ पर होता है वो आपको यहाँ पर मैं फाइनली दिखा देता हूँ, आपको पूरा कम्प्लीटली दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको साफ साफ, अगर आपको जब तक नहीं दिखेगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पर 6 नंबर का डिजिट यानी 6 नंबर का ओटीपी यहाँ पर हमें मिल चुका है। इस ओटीपी नंबर को यानी इस पिन को हमें अपने एडसेंस के अंदर वेरीफाई करना है, ऐड करना है, तभी हमारे अकाउंट के अंदर यूट्यूब की तरफ से यानी एडसेंस की तरफ से जो हमारी वीडियो से अर्निंग होती है वो हमारे तक पहुंच सकती है। सो गाइस, गूगल एडसेंस वेरीफिकेशन यानी गूगल आइडेंटिटी वेरीफिकेशन आपको किस तरह से करना है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर टाइप करना है कुछ ऐसा कीवर्ड यानी एडसेंस। एडसेंस हम यहाँ पर टाइप करेंगे। एडसेंस टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऐड के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे, यहाँ पर गूगल एडसेंस का एक लिंक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना है, एक कॉर्नर में यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिंपली हमारे सामने ये जो कॉलम है इसके ठीक नीचे यहाँ पर टू डू पे एक वेरिफिकेशन यू आर बिलिंग एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके ठीक नीचे यहाँ ऑप्शन पे आपको वेरीफाई करके इसके अंदर जाना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कब अप्लाई किया था। दोस्तों, ये मैंने पिछले महीने यानी 6 जून 2020 में अप्लाई किया था और यहाँ पर लिखा है 2-4 वीक्स यानी 2 या 4 हफ्ते इसको आने में यहाँ पर लग जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं पहुंचता है तो दोस्तों, रीअप्लाई करने के लिए भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आने में इसको मेरे पास कितने दिन लग गए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने इसको अप्लाई किया है, इसमें आपको अप्लाई के टाइम के यहाँ पर लगता है 2 से 4 वीक यानी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते यहाँ पर आपको लग जाते हैं। और अगर आपके पास ये 1 महीने के अंदर यानी 2 या 4 हफ्ते के अंदर नहीं पहुँचता है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई के ठीक नीचे जाकर, जैसे कि मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, यहाँ पर आपको रिसेंट करने के लिए एक ऑप्शन फिर से मिल जाता है। अगर आपके पास ये 1 महीने में यानी 4 हफ्तों के अंदर अगर नहीं पहुँचता है तो आपके पास ये रिसेंट करने के लिए ऑप्शन यहाँ से वेरिफिकेशन के अंदर जाकर यानी वेरीफाई के अंदर जाकर आपको रिसेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप इसको सिंपली रिसेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। जो मुझे पिन मिला है तो उसको मैं यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए उसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो चलिए, मेरा जो पिन है वो है 01206। ठीक है दोस्तों, जो मुझे पिन मिला है वो है 01206। अगर आप यहाँ पर गलत टाइप कर देते हैं कोई भी अपना वेरिफिकेशन पिन तो दोस्तों, आपको 2 मौके और यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यू हैव 3 अमेंड्स रिमेनिंग, यानी अगर आप एक बार गलती कर देते हो तो फिर आपको दोबारा से डालने के लिए ऑप्शन मिलता है। फिर भी आप अगर गलती करते हो तो आप तीसरी बार में गलती कर देते हो तो आपके लिए ये ठीक नहीं रहेगा, आपको इसको ठीक तरीके से शुरू में ही देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी इस पिन को यहाँ पर टाइप करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ सिंपली इसको सबमिट। ओके दोस्तों, तो देखिए फाइनली यहाँ पर यू आर बिलिंग एड्रेस हैज़ बिन वेरीफाइड, हमारा जो ओटीपी था वो हमारे एडसेंस से वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह से ही करना है, अपने ओटीपी यानी गूगल एडसेंस से आए हुए पिन को वेरीफाई अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर जाकर।
देखिए यहाँ से जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से वो ऑप्शन गायब हो गया, यानी हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो बैंक की डिटेल्स को किस तरह से आपको सबमिट करना है आपको अपने एडसेंस के अंदर, वो मैं आपको अगली किसी भी वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको गूगल एडसेंस को वेरीफाई करना है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ फॉलो करना, और इसको देखकर ही आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में पिन वेरीफाई कर सकते हैं। सो गाइस, पिन वेरिफिकेशन को लेकर ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा मुझे बताना नीचे ज़रूर कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड बाय।